आज हम यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट से फाइनेंस टैक्स टैक्सेशन पीडीडी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट टीचर्स लेक्चरर्स की तरफ से हम यहाँ पे आज फिर से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। मैं आई वांट टू स्टार्ट विद कि मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहती हूँ कि हम कुछ लोग तो 2015 से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इस SRO को आप रिवोक कर दीजिए, कम्प्लीटली रिवोक कर दीजिए। ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हर यूथ के साथ ये बेइंसाफी हो रही है। हम लोगों को कोई अलाउंसेस, कोई DRA कुछ नहीं मिल रहा है। पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जहाँ अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। अगर इसको UT भी बना दिया गया है तो उसके बाद भी सिर्फ 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है UT में भी। तो हमारी गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट है, रिपीटेडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये SRO हटा दिया जाए पूरी तरह। प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, हर एक मंत्री से मिले, हर एक मतलब जितने भी जहाँ तक कि हम केंद्र सरकार से मिलके आए हुए हैं, मगर हमें अफसोसजनक बात यह है कि दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है सरकार। इस बारे में सोचना चाहिए कि 370 जैसे इतने बड़े जो इशू है उनको ख़त्म किया गया है, मगर 202 को क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है। एक मतलब युवा की जो आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, पिछली सरकारों ने किया है, एडमिनिस्ट्रेटर भी यही करी है। हम एडमिनिस्ट्रेटर से कितने बार गुहार लगा चुके हैं कि इस बेहुदा जो पॉलिसी बनाई हुई है, कुछ लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाई है 202 को जो यूथ को दबाया जा रहा है। और प्रेसिडेंशियल में है, कोई भी हमें अलाउंसेस नहीं मिल रही है, दिन रात एम्प्लाई काम कर रहे हैं। हमारे साथ 2015 से जो पहले लगे हुए थे उनको फुल सैलरी मिली है और उनको अलाउंसेस वगैरह मिल रही है, बट हमें नहीं मिल रही है। हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट हमारी तरफ नहीं देख रही है। हम 2015 से ऑलरेडी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मगर वो सुनवाई नहीं हो रही है। मगर हम गवर्नर LG साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस पॉलिसी को रिवोक किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 370 थोड़ी गई थी उस